हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स के टॉप 100+ क्वेश्चन, जो आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। तो गाइज, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक अच्छे से सुविचार के साथ, जो कि है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज, तो यहाँ पे ऑप्शन होंगे अल्टरनेटिवली चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, या फिर नेगेटिवली चार्ज होता है, या फिर पॉजिटिवली, या फिर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन सेकंड, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द जियोग्राफिकल मेरिडियन एट ए प्लेस इज, तो गाइज क्या होता है, एजीमुथल या डिप या डिक्लिनेशन या लेटिट्यूड। तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डिक्लिनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है जो, तो द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, तो एक्सरे को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं गाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन थी सी विल बी द राइट आंसर, तो ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, द एटमोस्फेरिक लेयर फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज नोन एज, तो धरती से जो सबसे दूर लेयर है एटमोस्फेयर की उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, या मेसोस्फीयर, या एक्सोस्फीयर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो होगा ऑप्शन डी, एक्सोस्फीयर विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ, तो फोटोन किसकी फंडामेंटल यूनिट है गाइज, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, या फिर मैग्नेटिज्म, या ग्रेविटेशन की। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन बी होगा, लाइट की। क्वेश्चन सिक्स है गाइज, ए लिक्विड डिस्टर्ब्ड बाई स्टीरिंग कम्स टू रेस्ट ड्यू टू, तो किसके कारण आ जाता है, विस्कोसिटी, सेंट्रिपिटल, या फिर डेंसिटी, या सरफेस टेंशन। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्बियंट एयर इज स्टेबल व्हेन द एम्बियंट लैप्स रेट इज, तो क्या होगा इसका, सब एडियाबेटिक, या सुपर एडियाबेटिक, या न्यूट्रली स्टेबल, या हाइपर एडियाबेटिक। तो इसका जो गाइज राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, सब एडियाबेटिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, द फिल्टर ओवर विच सीवेज इज स्प्रिंकल्ड इज कॉल्ड एज, तो क्या कहलाता है गाइज, कॉन्टैक्ट बेड, या इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर, या फिर ट्रिकलिंग फिल्टर, या परकोलेटिंग फिल्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ट्रिकलिंग फिल्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक लेयर अब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, तो यहाँ पे यूवी रेज जो सन से आती हैं एटमोस्फेयर में, उनको कौन सी जो लेयर है वो रिस्ट्रिक्ट करती है, तो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, या ओजोन, या फिर आइनोस्फियर। तो सिंपल है गाइज, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज, क्वेश्चन 10, इन न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज कंजर्वेशन ऑफ, तो किसका कंजर्वेशन होता है गाइज, मास ओनली, या मोमेंटम ओनली, या फिर एनर्जी ओनली, या फिर इन तीनों का। तो यहाँ पे गाइज जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मोमेंटम ओनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हेन ए पार्टिकल एंड एन एंटी पार्टिकल कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, दे रिपेल ईच अदर, या फिर एनिहिलेट ईच अदर, या गो अनडिस्टर्ब, या स्पिन अबाउट ए कॉमन एक्सिस। तो यहाँ पे गाइज जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी, एनिहिलेट ईच अदर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो क्या है, एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, या डिलेड प्रोसेस है, या एमिशन ऑफ प्रोटोन है, या एमिशन ऑफ न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पे गाइज ए ऑप्शन जो है वो राइट होगा, एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, फोर ए पर पार्टिकल मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पी क्यू, द होडोग्राफ इज, तो वो क्या बनेगा होडोग्राफ गाइज, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी क्यू, या फिर ए पॉइंट सर्कल, या स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू। तो यहाँ पे जो गाइज ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा, ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी क्यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो है लाइट स्कैटरिंग टेक प्लेस इन, तो लाइट स्कैटर किस में करती है, कोलोइडल सोल्यूशन में, या फिर एसिडिक सोल्यूशन में, या इलेक्ट्रोलाइट, या बेसिक में। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन ए है वो राइट होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15 है, इन एस्ट्रोफिजिक्स व्हाट नेम इज गिवन टू ए हाइपोथेटिकल होल इन आउटर स्पेस फ्रॉम विच स्टार्स एंड एनर्जी इमर्ज, तो उसको क्या कहते हैं गाइज, ब्लैक होल, या ओजोन होल, या एस्ट्रॉइड बेल्ट, या वाइट होल। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, वाइट होल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 है,
तो न्यूट्रॉन्स आर स्लोड डाउन इन न्यूक्लियर रिएक्टर बाय फिजनेबल मटेरियल या मॉडरेटर या कंट्रोल रोड या फिर कूलिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो गाइस आंसर होगा वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, तो मॉडरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीग्रेड एंड फारेनहाइट टेम्परेचर जो होता है वो सेम किस टेम्परेचर पे होते हैं गाइज? तो सिंपल है, ऑप्शन ए -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द डायमेंशनल फार्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज? तो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है गाइज, उसका फार्मूला डायमेंशनल क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा गाइज, तो m-1 l3 t-2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 है, ओम्स लॉ इज़ वैलिड इन केस ऑफ? तो ओम्स लॉ इनमें से किस पे लागू होता है, इंसुलेटर कंडक्टर या सेमी कंडक्टर या सुपर कंडक्टर? तो गाइज यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कंडक्टर। क्वेश्चन 20 है, द लेज़र इज़ ए बीम ऑफ रेडिएशन विच आर? तो यहाँ पे गाइज इसकी प्रॉपर्टी बतानी है, तो कोहरेंट मोनोक्रोमेटिक होती है या नॉन कोहरेंट मोनोक्रोमेटिक होती है? तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, कोहरेंट, सॉरी ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कोहरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक होती है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तो द मास ऑफ ए बॉडी मेजर्ड बाई ए फिजिकल बैलेंस इन ए लिफ्ट एट रेस्ट इज फाउंड टू बी एम। इफ द लिफ्ट इज गोइंग अप विद एन एसेलरेशन ए, इट्स मास विल बी मेजर्ड एज? तो मास को इसमें फॉर्मूला बताना है गाइज, सिंपल है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, तो मास जो होता है वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट होता है, तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, तो एम ही रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 22, ए वाइट एंड स्मूथ सरफेस इज? तो वाइट और स्मूथ सरफेस की प्रॉपर्टी बतानी है गाइज, तो ऑप्शन यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, की बैड अब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज? तो कौन सी फोर्स उस पर काम करती है, अब थ्रस्ट, वेट या मास? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, सिंपल सी बात है, बोथ। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ए एंड बी, अब थ्रस्ट भी काम करता है और वेट भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो वैन टू सेमी कंडक्टर ऑफ पी और एन टाइप के जो होते हैं आर बोट इन कॉन्टैक्ट में लाए जाएँ, तो दे फॉर्म पी एन जंक्शन बनाते हैं, विच एक्ट लाइक ए? तो वो क्या काम करता है? ऑप्शन है गाइज एम्पलीफायर, कंडक्टर, ओसिलेटर या फिर रेक्टिफायर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो रेक्टिफायर, तो वो रेक्टिफायर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारे पास 25, विच वन अमंग द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड? तो इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड पे किसका कोई असर नहीं होता है, तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी या ह्यूमिडिटी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, प्रेशर का नहीं होता है। तो गाइज़ ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है गाइज, ये या तो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हुए हैं या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आप इन पे थोड़ा सा एक बार ध्यान से अगर पढ़ भी लेंगे तो ये माइंड में इमेजिन की बन जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी चलते हैं गाइस, क्वेश्चन 26 है, द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज एन एग्जांपल ऑफ? तो किसका एग्जांपल है गाइस, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी? तो यहाँ पे गाइस जो ऑप्शन देखा जाए, यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल वेलोसिटी, तो यहाँ पे गाइस ऑप्शन सी और डी दोनों राइट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एंड डी दोनों राइट हैं, कि यूनिफॉर्म स्पीड होती है, वेरिएबल वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म स्पीड तो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी होती है। तो ऑप्शन सी और डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 27, तो ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद? तो मैग्नेटिक सर्किट फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक? तो यहाँ पे गाइज सिंपल है, बताओ, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 28, 1 किलोबिट इज इक्वल टू द? तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 1024। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? तो हाइड्रोजन बॉम्ब किस प्रिंसिपल पे काम करता है, न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी? तो गाइज इनमें से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, तो न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है। तो इसमें लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन, तो गाइज न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, माइंड में सेट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30, द कॉमनली यूज्ड सेफ्टी फ्यूज वायर इज मेड ऑफ? ऑप्शन है गाइज एन एलॉय ऑफ निकल लेड की या फिर टीन लेड या टीन निकल लेड आयरन? तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर गाइज, एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड होते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टेम्परेचर इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर द मैक्सिमम। तो ये किस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ए सॉलिड रोड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर या टाइम ऑफ हीट फ्लो या इनिशियल लेंथ या मटेरियल, तो किस पे होती है गाइस। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, टाइम ऑफ हीट फ्लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कैथोड रे व्हेन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय मेटल कॉज एमिशन ऑफ, जब कैथोड रे ऑब्स्ट्रक्ट करी जाती है मेटल के कारण तो वो कौन सी रे का एमिशन करती है, गामा अल्फा एक्स या बीटा। तो यहाँ पे गाइस जो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा, अल्फा रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 34, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, तो यहाँ पे क्या कहलाता है गाइस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गुड कंडक्टर्स हैव मैनी लूजली बाउंड, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन या एटम्स। तो यहाँ पे सिंपल है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो 36, ए चेंज ऑफ 10 डिग्री इन सेंटीग्रेड स्केल कॉरस्पॉन्ड टू व्हाट चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पे गाइज आपको बताना है 10 डिग्री या 18 डिग्री या फिर 15 या 21। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ जो फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज आएगा वो 18 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो एनोमेलस एक्सपेंशन इज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ होते हैं, अल्कोहल मरकरी वाटर या बेंजीन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वाटर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेज आर यूज इन मूवी प्रोजेक्टर्स, तो मूवी प्रोजेक्टर में कौन से लेंस यूज होते हैं बताओ दोस्तों, इसका तो आपको पता ही होना चाहिए। तो कनकेव कन्वेक्स या फिर जूम लेंस या मेनिस्कस लेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा गाइज वो होगा कन्वेक्स लेंस, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39, तो मैग्नेटिक कीपर्स आर यूज टू प्रोटेक्ट मैग्नेट्स फ्रॉम, तो जो मैग्नेटिक कीपर होते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से या इफेक्ट ऑफ अदर मैग्नेट से या सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशन से या डीमैग्नेटाइजेशन ड्यू टू हीटिंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, तो इफेक्ट ऑफ अदर मैग्नेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, क्वेश्चन 40 है, तो एन ऑब्जेक्ट विच अब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स नॉन अपीयर्स, तो कौन सा होगा गाइज, वाइट ग्रे ब्लू या ब्लैक। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ब्लैक कलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू इट्स कंपोनेंट्स इज ड्यू टू, तो जो व्हाइट लाइट स्प्लिट करती है अपने 7 कलर्स में तो वो किसके कारण करती है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन या डिस्पर्जन या ट्रांसमिशन। तो गाइज वो किसके कारण करती है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हेयर, तो डिस्पर्शन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें 42, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज, तो जो एक स्मॉल ड्रॉप ऑयल की होती है वो पानी पे तैरती क्यों है, उस पे स्प्रेड क्यों हो जाती है। तो ऑयल हैज़ ए हायर सरफेस टेंशन होता है, या फिर वाटर का हाई सरफेस टेंशन होता है, या फिर ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, या फिर वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, कि जो वाटर होता है अपना उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 43, तो रेडिएशंस विच इज़ नॉट एमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी इज, तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान कौन सी रेडिएशन इमिट नहीं करती वो बतानी है गाइज, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज या फिर कैथोड रेज। तो यहाँ पे जो आंसर होगा गाइज 43 का वो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कैथोड रेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, द प्रिंसिपल ऑफ बीम बैलेंस इज प्रिंसिपल ऑफ, तो जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है बीम बैलेंस का वो प्रिंसिपल किसका है, मोमेंटम या मोमेंट्स का या मास का या कपल का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइज, विच वन अमंग द फॉलोइंग गिवन प्रोसेस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड विद साउंड वेव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन पोलराइजेशन या इंटरफेरेंस या ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन ए होगा, पोलराइजेशन के कारण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 46, सिंपल मशीन कैन नॉट, तो एक सिंपल मशीन क्या नहीं कर सकती कि मल्टीप्लाई स्पीड या मल्टीप्लाई वर्क या फिर चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स या फिर मल्टीप्लाई फोर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, तो मल्टीप्लाई वर्क को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती एक सिंपल मशीन। क्वेश्चन 47 है गाइज, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है डिस्क्राइब्ड एज
इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल तो कब होता है, जब इट इज़ हीटेड या फिर इट इज़ प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सुटेबल वेलोसिटी इम्पिंज ऑन इट, या फिर लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल ऑन इट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर गाइज होगा वो ऑप्शन डी, तो लाइट ऑफ सुटेबल वेवलेंथ फॉल्स ऑन इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। तो एक्स रेज आर डैश वेव्स, तो एक्स रे कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या इलास्टिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, तो द शेप ऑफ ए रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल होती है ड्यू टू, तो किसके कारण होती है, जो रेन ड्रॉप होती है उसकी शेप ऐसी, विस्कोसिटी के कारण, सरफेस टेंशन, या इलास्टिसिटी या ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन 50 है गाइज, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन होती है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगानी है कि कौन किसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर उससे कम और सबसे कम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो गामा रेडिएशन जो होते हैं वो सबसे मोस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है उनकी, और अल्फा की सबसे कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, तो डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ, तो डायोप्टर जो है वो किसकी यूनिट है, पावर ऑफ ए लेंस की है या फिर फोकल लेंथ की है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पावर ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, इन ए फिलामेंट टाइप जो लाइट बल्ब होता है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड अपीयर्स एज, तो किसकी फॉर्म में वो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम हो जाती है, विजिबल लाइट या इंफ्रारेड रे या फिर अल्ट्रावायलेट या फ्लोरोसेंट लाइट में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, इंफ्रारेड रेड रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए एज ऑफ ए क्लिफ थ्रोज ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए सर्टेन स्पीड, तो ही देन थ्रोज अनदर स्टोन डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द टू स्टोन व्हेन दे हिट द ग्राउंड। तो दोस्तों इसमें बोला है कि एक आदमी है जो एक चोटी पे खड़ा होकर एक पत्थर ऊपर की तरफ फेंकता है एक स्पीड से, और एक पत्थर डाउन में फेंकता है सेम स्पीड से। तो जब वो दोनों पत्थर ग्राउंड पे हिट करेंगे तो उनकी जो स्पीड रेशियो होगी वो क्या होगी। तो गाइस इसका सिंपल है जो आंसर होगा वो स्पीड रेशियो तो इक्वल होगी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, तो नॉट कॉज्ड इसने पूछा है गाइज, तो सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट, या फिर तो रिफ्रैक्शन के कारण इनमें से कौन सा नहीं होता है गाइज वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर कि सन अपीयरिंग रेड एट सनलाइट, क्योंकि वो जो होता है वो डिस्पर्सन के कारण होता है गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन 55, तो मैटर वेव्स आर, तो मैटर वेव जो होती हैं वो क्या होती हैं, डी ब्रोगली वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है अपना राइट हो जाएगा, तो डी ब्रोगली वेव्स होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो व्हेन द मिल्क इज चर्नड और वाइग्रसली द क्रीम फ्रॉम इट इज सेपरेटेड आउट ड्यू टू, तो किसके कारण सेपरेट हो जाती है वो, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो इन्हीं में से होगा गाइज। तो ऑप्शन यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर, सिंपल, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, गैस थर्मोमीटर्स आर मोर सेंसिटिव होते हैं देन द लिक्विड थर्मोमीटर्स, क्योंकि क्यों होते हैं गाइज, क्योंकि जो गैस होती हैं वो हैव लार्ज कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, या फिर आर लाइटर होती हैं, हैव लो स्पेसिफिक हीट होती है, या हाई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, तो जो गैसेज होती हैं उनका लार्ज कोफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 58, ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड हैज़, क्या होगा गाइज, उसमें कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन, या रेडियली आउटवर्ड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे गाइज जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 59, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो कब होता है, ए रे जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है, या डेंसर से रेयर में, या फिर रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा गाइज वो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से, जब ज़्यादा से जाती है तो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 60 का, तो MCB जो हम यूज़ करते हैं विच कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग वर्क्स ऑन द
तो कहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट को, या फिर हीटिंग इफेक्ट, या मैग्नेटिक, या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो यहाँ पे सिंपल गाइस, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 61 है, द पावर ऑफ ए लेंस इज मेजर्ड इन। तो ये डायोप्टर आंसर ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेज़र इज यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर में कौन सी जो लेज़र यूज होती है, सेमीकंडक्टर, या एक्सीमर, या फिर डाई, या गैस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए हैगा इज सेमीकंडक्टर। तो ऑप्शन ए विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज पाथ ब्रेकिंग रिसर्च एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द। तो किसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जी को नोबेल प्राइज दिया गया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, या लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या प्रिंसिपल ऑफ वेव पार्टिकल, या फिर थ्योरी ऑफ क्रिटिकल ऑपलेसेंस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा गाइस, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण उनको नोबेल मिला था। क्वेश्चन है गाइस, द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज नोन एज। तो किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर गाइज, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, विच वेराइटी ऑफ ग्लास इज हीट रेजिस्टेंस। तो हीट रेजिस्टेंस ग्लास कौन से होते हैं गाइज, तो पपायरस ग्लास होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो द टाइप ऑफ ग्लास यूज इन मेकिंग प्रिज्म एंड लेंसेज। तो प्रिज्म और लेंस को बनाने के लिए हम कौन सा ग्लास यूज़ करते हैं, तो गाइज यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो फ्लिंट ग्लास होगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, काफ़ी पूछा भी जाता है और आ भी सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल इज। तो नैनो मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है मोस्ट, वो कौन सी है, तो फोर्स फ्रिक्शन, या फिर प्रेशर, टेम्परेचर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है अपना राइट हो जाएगा, फ्रिक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो फिर रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम इज। तो क्या होता है, हाई होता है 1 से, या स्मॉल होता है, या 1, या नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ग्रेटर देन 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 69, डैश इज नॉट ए प्राइमरी कलर ऑफ वाइट लाइट। तो वाइट लाइट का प्राइमरी कलर कौन सा नहीं होता है गाइज, वो हमें बताना है, नॉट ए प्राइमरी कलर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होएगा गाइज, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, वॉयलेट। तो रेड, ब्लू और ग्रीन जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी कलर में काउंट होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, क्वेश्चन 70, तो वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इज स्टोर्ड इन इट एज। तो किसकी फॉर्म में होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, या थर्मल न्यूक्लियर। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, कौन सी सही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, ऑप्शन डी है जो यहाँ पे नहीं है सही, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स शुड फ्लो इन 1 सेकेंड टू कॉन्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो गाइज यहाँ पे अपना ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, 6.25 × 10^18 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड इज किसके सिमिलर होता है। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड एक स्ट्रेट कंडक्टर, या फिर हॉर्स शू मैग्नेट, या बार मैग्नेट, या मैग्नेटिक नीडल। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ए बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द इंसुलेशन कवर ऑन द अर्थ वायर इज। तो जो इंसुलेशन होती है अर्थ वायर पे वो किस कलर में होती है, रेड, ग्रीन, ब्लैक, या फिर वाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रीन कलर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो जो एसी करंट होता है उसमें यूनिट क्या होती है फ्रीक्वेंसी की, तो गाइज इसका सिंपल है, तो ऑप्शन बी हर्ट्ज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, जो एयर रॉकेट होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो गाइज न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देखने वाला जो फर्स्ट साइंटिस्ट था वो कौन था गाइज, तो फैराडे, लो एम्पीयर, या ओरेस्टेड, या वोल्टा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, तो ओरेस्टेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का गाइज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज टेकन। तो जो डायरेक्शन है वो किस लाइन उसमें ली जाती है गाइज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, द इंसुलेशन कवर ऑन लाइव वायर पे जो इंसुलेशन कवर होता है वो किस कलर का होता है गाइज, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, रेड। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो यूनिफॉर्म या करंट इज़ यूनिफॉर्म या बोथ वोल्टेज करंट आर यूनिफॉर्म या फिर नाइदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, करंट इज़ यूनिफॉर्म होता है सीरीज में और पैरेलल में वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश मिली एम्पियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा गाइज वो ऑप्शन बी 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल इज, अगर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा गाइज वो क्या होगा, कम ज़्यादा या फिर इक्वल रहेगा, तो वो सब आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो जो पैरेलल में हमने सारे रेजिस्टेंस लगाए हैं उनमें जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा तो उससे भी छोटा हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, तो अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर में लगाने हैं गाइज, तो वेवलेंथ विच वन इज़ ट्रू, तो कौन सा ठीक है। तो ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन या रेड, तो इनको वेवलेंथ के असेंडिंग चढ़ते हुए क्रम में लगाना है गाइज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ब्लू ग्रीन और रेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन प्लस मैजेंडा, इट मीन्स अगर हम ग्रीन और मैजेंडा कलर को मिला दें तो जो रिजल्टेंट कलर होगा वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे गाइज येलो विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्पेक्ट्रम ऑब्टेंड विद प्रिज्म विच कलर इज डेविएटेड मैक्सिमम, तो स्पेक्ट्रम में कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट होता है गाइज, तो कौन सा सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। ऑप्शन ए तो वायलेट कलर जो सबसे लास्ट में होता है सबसे ज़्यादा डेविएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड ऑफ लाइट बतानी है गाइज इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10^8 m/s होती है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो 87 क्वेश्चन है वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ऑफ, तो किसके कारण हमें सब ऑब्जेक्ट दिखती हैं, तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन या डिस्पर्सन या ट्रांसमिशन। तो सिंपल है गाइज ऑप्शन ए, तो रिफ्लेक्शन के कारण हमें जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं वो दिखाई देती हैं, अदरवाइज हमें कुछ भी दिखाई ना दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू है स्टेटमेंट, इनमें से पावर ऑफ लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर पावर ऑफ लेंस ऑलवेज नेगेटिव या फिर पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव तो या फिर कनकेव लेंस की पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा कि जो कन्वेक्स लेंस होता है ना गाइज उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव में ही होती है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है द कट ऑफ लिमिट जो होती है ह्यूमन आई की देखने की वो कितनी होती है, 100 या 1000 या 10,000 नैनोमीटर। तो इनमें से गाइज ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 1000 नैनोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, तो मैग्निफिकेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज, तो क्या होगा गाइज इसका आंसर। तो यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव तो होती है एंड लेस देन 1, तो इसमें जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हु हैड पेटेंटेड मोर देन 1000 इन्वेंशन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, तो फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा, एडिशन जी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है जो करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं ये आपको बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा, 1.6 × 10^-19। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 94, तो द स्टार्स अपीयरिंग डैश हैव वेरी हाई टेम्परेचर, तो जिन स्टार्स का टेम्परेचर बहुत हाई होता है वो किस कलर के दिखेंगे गाइज। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा, ब्लू कलर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो आपको इसमें मिरर फॉर्मूला बताना है गाइज, और जो ये क्वेश्चन है गाइज ये मैं फिर से बोल रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मेनली एग्जाम में देखे भी जाते हैं, तो इनको बस एक बार आपको नज़र से निकालना है, उससे आपके इमेज बन जाएगी और याद करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे क्वेश्चन की, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप एक बार पढ़ोगे तो भी इनको समझ आ जाएंगे। तो मिरर फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताना है 95 में। तो यहाँ पे गाइज ऑप्शन अगर हम देखें तो फर्स्ट तो नहीं होता, माइनस है, तो इसमें ये हमारा लेंस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है बी, तो बी हमारा राइट हो सकता है। ऑप्शन सी देखें तो ये देखो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो ये बस इसको थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने लिख रखा है, बाकी बी के जैसा ही है ये। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी और सी है गाइज ये दोनों राइट हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी और सी है वो दोनों राइट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं 96, तो इन ए ट्रांसपेरेंट मीडियम द वेलोसिटी ऑफ डैश लाइट इज लीस्ट, तो किस लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो लीस्ट होती है, तो रेड ग्रीन येलो या वॉयलेट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, तो
वायलेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका 97, 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल होती है गाइज? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 3.6 × 10^6 जूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 98, द करंट पासिंग थ्रू टू सेपरेट लाइन्स ऑफ आर हाउसेज इज डैश एम्पियर एंड डैश एम्पियर। तो आपने नोट कभी किया होगा गाइज कि हमारे घरों में नॉर्मली जो करंट फ्लो करता है वो 5 और 15 एम्पियर पे करता है, इसलिए हमारे दो सॉकेट होते हैं जिसको एक लाइट सॉकेट एंड एक पावर सॉकेट बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 99, डैश इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग साइंटिफिक बैलेंस। तो साइंटिफिक बैलेंस बनाने के लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे मैग्नेलियम जो है हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा 100th क्वेश्चन है गाइज, द मास ऑफ अर्थ इज डैश टाइम्स द मास ऑफ मरकरी। तो कितने टाइम्स है गाइज? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 18 टाइम्स जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 101, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम तो कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में 3 रजिस्टेंस 6 ओम के इन्होंने लगा दिए हैं, तो जो कनेक्टेड पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो गाइज कितना होगा हमारा? यहाँ पे ऑप्शन सी होगा 2 ओम। तो ये कैसे आया मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो जैसे हम ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा देते हैं और इनका जब पैरेलल निकालते हैं, पैरेलल में जो रेजिस्टेंस होते हैं वो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 को जब हम सोल्व करते हैं तो वो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ऑप्शन टू विल ऑप्शन जो है सी 2 ओम विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइज 102, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट यूज्ड डोमेस्टिकली इन इंडिया। तो इंडिया में जो करंट यूज़ होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है गाइज, ऑप्शन ए तो 50 हर्ट्ज होती है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, द प्रिंसिपल ऑफ ए मैग्नेटिक इंडक्शन वाज गिवन बाई, तो मैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है वो किसने दिया है गाइज? तो यहाँ पे फैराडे हो जाएगा, फैराडे लॉ बोला जाता है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, ए नैनोमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर, तो कितने सेंटीमीटर होते हैं गाइज? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 10^-7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 105, तो फॉर ए प्लेन मिरर मैग्नीफिकेशन जो होती है वो प्लेन मिरर की क्या होती है गाइज? तो आपको पता होगी ऑप्शन बी 1 होती है, तो 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज जो हमारा वो है 106, जो आज का सेशन का हमारा लास्ट होगा। तो ब्लू प्लस ग्रीन जो है अगर हम इनको मिला दें कलर्स को तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन सा कलर आएगा गाइज? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, सियान। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जो आज यहीं पे ओवर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आपके लिए और अच्छे कंटेंट के साथ एक अच्छी वीडियो प्रिपेयर करके ला सकें। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू।